हाय गाइस एंड वेलकम टू दी चैनल। तो भाई स्पीति ट्रिप अपना हो गया ख़त्म, तो आए हुए हो गया 2-3 दिन हो गए हैं। बाकी यार बहुत थकान हुई थी यार, तो 2-3 दिन तो यार सोने में और आराम करने में ही निकल गए। 1-2 दिन तो मैंने ऑफिस की भी छुट्टी मार ली थी। तो बस अभी अगले ट्रिप बनने से पहले थोड़ा सा टाइम लगेगा अगला ट्रिप बनने में, तो क्योंकि अभी दिवाली भी आ रही है तो घर पर रहना भी ज़रूरी है और थोड़े यहाँ के काम भी निपटाने हैं। बाकी यार आज का प्लान कुछ ऐसा है, शाम को यार मिलना है एक फ्रेंड से ड्रिंक्स पार्टी में, राठी से मिलना है। राठी आपने देखा होगा स्पीति ट्रिप में, जो हमारे मिस्टर शेफ थे बहुत ही लजीज खाना खिलाते थे यार। तो अगर इनकेस अभी तक आपने स्पीति सीरीज़ देखी नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसका लिंक चेकआउट कर लेना सारी वीडियोस को। बहुत ही मज़ा आएगा। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लोगे ना तो मेरी कोई भी वीडियो आएगी वो झट से आप देख पाओगे, और आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो पता ही नहीं लगेगा वीडियो कब आई कब गई, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। मेरी डॉटर को छोड़ने जाना है और उसकी बास्केटबॉल क्लास है। क्या खेल रहे हो? लेने कौन आएगा आपको? चल मैं जाऊं फिर। चल भाई। तो अभी यार गाड़ी में ना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको दिखाता हूँ, वो ठीक करानी है यार, वो ज़रूरी है ठीक करवाना, तो अभी दिखाता हूँ आपको। हाँ ये अपनी पार्किंग, ये मेरी बाइक है, ये वाली कभी कभी चलाता हूँ, और ये अपनी गाड़ी। प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको, देख रहे हो इसका TPMS, इसकी जो ये वाली टायर है रियर लेफ्ट वाला, इसकी हवा देखो यार 2200 की है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी हवा भरवाता हूँ ना विद इन 8-10 दिन के अंदर अंदर ये 36 से 22, 21 ऐसे ड्रॉप कर जाती है, और इसमें पंचर नहीं है। तो प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही यार, पहले मुझे लगा मेरा TPMS सेंसर ख़राब है, सेंसर चेंज करके देख लिया बट कोई फ़र्क नहीं है। तो इसमें कुल मिला के अब यही होता है, हर 8-10 दिन में इसको एयर टॉप अप करवानी पड़ती है, तो उसे वही करवाना है। इसका जो TPMS सेंसर है ना यार, उसको खोलना भी बहुत मुश्किल है यार, बहुत तो आसान काम नहीं है। आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो ये इसका है TPMS सेंसर है, जो मोटा सा लगा हुआ है, और इसके पीछे ना एक स्क्रू है जिससे टाइट हुआ हुआ है। तो इसको खोलने के लिए पहले स्क्रू को आप लूज़ करोगे, बिल्कुल बैक पे लेके जाओगे, फिर इस सेंसर को निकालोगे, फिर स्क्रू को निकालोगे, फिर हवा भरवाओगे, फिर स्क्रू को वापस लगाओगे, फिर सेंसर लगाओगे, फिर टाइट करोगे। तो ये कुल मिला के मुसीबत कम नहीं है हमारी लाइफ में। और इस स्क्रू को खोलने के लिए ना हाथ से नहीं खुलता है, इसको खोलने के लिए एक स्पेशल की होती है, की होगी ये इससे खुलेगी। तो चलो भैया खोलते हैं इसे। खुल गया भैया, देख रहे हो अब ये जो है स्क्रू जाएगा पीछे, और अब ये आसानी से खुल जाएगा। ये तो इसमें ना जब हवा भरेंगे तो हवा भरी नहीं जाएगी, क्योंकि स्क्रू जो है यहाँ तक गैप फिल कर देता है। बाकी मैंने यार ये एक्सटर्नल वाला लिया था TPMS। बाकी ये देखो ये सेंसर हमने आउट कर दिया, तो अब ये एयर प्रेशर जीरो दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ सेंसर ही नहीं है तो दिखाएगा क्या भैया। चलो जी हवा इतनी कम है टायर में यार, गाड़ी चलने में मतलब प्रेशर फील हो रहा है, पता लग जाता है ना, दबी दबी से चलने लग जाती है जब एयर प्रेशर कम होता है आपके उसमें टायर्स में, तो वैसे ही बिल्कुल फील सा हो रहा है। एक साइड से झुकी और ये गेट क्यों बंद कर दिया इन्होंने, अरे यार मोबाइल होल्डर का ना थोड़ा सा मैंने एंगल चेंज किया, आई थिंक अब ठीक दिख रहा होगा। पहले ना एक साइड की सड़क दिख रही थी और गाड़ी का भी ना एक साइड का ही दिखाई दे रहा था, अब तो इसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया थोड़ा। आई होप दिस इज़ लुकिंग मच बेटर, मतलब मुझे तो बेटर लग रहा है, बट आई डोंट नो हाउ इट्स लुकिंग टू यू।
गया रॉन्ग साइड, क्योंकि ये बस यहीं पे ही जाना है मेरे को, मतलब इतना रॉन्ग साइड नहीं है बट चलेगा। ये बैठे पंचर वाले भैया। तो भाई हवा भरने वाला काम तो हो गया यार, दो मिनट का ही काम था। बाकी भैया ने पैसे नहीं लिए, कह रहे हैं एक टायर के मैं क्या पैसे लूँगा तुमसे, अगली बार आओगे डबल दे देंगे। अरे क्या ठीक है भैया, अगली बार आपको डबल दे देंगे। तो बस यार बस अब घर जाना है, और 5-10 मिनट का मुझे थोड़ा सा और काम है, कहीं जाना है मेरे को, फिर उसके बाद अराउंड 6-6:30 मैं निकलूँगा, राठी से मिलने जाना आपको बताया था दिन में। तो चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। क्या हुआ? ये आपने बनाया है? Wow, that's good. High five. इस बात में तो high five बनता है। बस one बनाया है? क्या कह रहे हो? दीदी ने कहा है बस one बनाना। अच्छा चलो कोई बात। और इसके ऊपर 20 लगा। ठीक है okay. Good job. ये क्या है? क्या कर रहे हो? भाई रात के बज गए हैं 7 और माहौल देखो यार कुछ ऐसा सा हो रहा है यार अपनी बालकनी से। दिवाली में ना यार दिवाली जमाने वाली होती है, यही होता है, इतनी लाइट जगमगा रही होती है, मतलब तो इतना लाइवली सा लगता है यार, कहीं भी जाओ तो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। लुक एट दिस, ये ओपन जिम है जो आपको दिन में दिखाया था मैंने, पार्क है। अभी देखो लोग भी कम है, नहीं तो इस टाइम पर इतने लोग होते थे, बट वही क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, हर कोई घर से बाहर ही है। और फेस्टिव सीज़न में आपको पता है जिम विम और एक्सरसाइज पे कम ही ध्यान देते हैं लोग, ये खाने पे ज़्यादा ध्यान होता है भाई। बाकी यहाँ अभी पूरा अंधेरा सा हो रखा है यार हमारे बैठने वाली जगह पे। सो गाइस इट्स टाइम फॉर पार्टी। चलो भाई आ गया फ़ोन राठी का, तो ये मेरे ख्याल से 5 मिनट लगेंगे उसे पहुँचते हुए, और मेरे आपको बताया था 10 मिनट का ही रास्ता है, तो चल रहे मस्ती होगी, मस्ती एक नंबर की मस्ती। भाई पहुंच गए यार डेस्टिनेशन पे। कौन सी रैम उड़ाई थी? DDR1। क्या कहानी क्या थी? दोनों रैम लगाई थी, एक को उल्टा लगा दिया, अब जो उल्टा लगाया ना उसको उसे वो टाइट कर दिया मैंने, वो नहीं लग रही थी पर मैंने जबरदस्ती लगा दी, वो उसको नहीं लगती है एक्चुअली वो, पर मैंने वो बॉडी मोड़ दिया उस चक्कर में कि वो लग जाए, ठीक है, पता नहीं कहाँ था दिमाग। अब जब मैंने पावर ऑन किया हमें धुएं निकल गए। सच बता रहा हूँ मैं, अगर मैं रह सकता हूँ ना मैं, मुझे पता है आपका कलर कहाँ से आएगा? आ सकता है? ना 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 पुलिस वाला नहीं आता, कभी भी आ सकता है। और बता मिस्टर शेफ। भाई साहब आ गए यार गाड़ी में, आ गए यार वहाँ ना यार जहाँ बैठे हुए थे यार वहाँ पर, तो उन्होंने फोटो और वीडियो के लिए ऐसा मना कर दिया क्योंकि हमने पिछली बार पे किया था ना, तो वहाँ पर नाम पता क्या लिखा हुआ आया था मिस्टर राठी, बताओ नाम क्या लिखा हुआ आया था? एंजल ब्यूटी पार्लर। तो भाई एंजल ब्यूटी पार्लर के नाम से लास्ट टाइम पे पेमेंट हुई थी, तो इस बार जैसे उन्होंने देखा ना कि भाई का गिम्बल निकल आया और वो फोटो खींच रहे हैं, तो एकदम से भागते हुए आया कि यहाँ फोटोग्राफी अलाउड ही नहीं है क्योंकि ब्यूटी पार्लर में आप मदिरा पान नहीं कर सकते। ये भाई मदिरा खाता है और मैं पान खाता हूँ। मदिरा पीता है? एक्सेप्टेड। ओके अच्छा एक काम करते हैं राठी, उसको महेश को बुला लेते हैं क्योंकि यार हम दोनों ने ड्रिंक करी हुई है, तो ड्रिंक एंड ड्राइव इज नॉट अ गुड थिंग, तो वो आएगा और एक बार हमें घर पे ड्रॉप कर देगा ना। बिल्कुल, एक बार तो कॉल कर ले भाई, फोन कर लेता हूँ। हेलो, हाँ महेश यार थोड़ा ज़्यादा हो जाना, आ सकता है मैं लेने? ठीक है आ जा, आ रहा हूँ। आ रहा तो भाई यार एक फ्रेंड को बुला लिया यार क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा आपको पता ही है ड्रिंक हो गई है, और ड्राइव ड्रिंक एंड ड्राइव ठीक बात नहीं है भाई, मोदी जी भी नाराज होंगे और नितिन गडकरी भी नाराज हो जाएंगे, रास्ते में पकड़ लेंगे हमें। तो भाई को बोलेंगे भाई छोड़ क्या, बाकी अगली बार उस भाई को हम थोड़ी सी पार्टी वार्टी दे देंगे कि भाई बहुत मेहनत करेगा वो आके। तो राठी क्या कहना चाहोगे? क्या कह रहा है सर, पी रखी मैंने बना। क्या मुझसे कुछ मत करो। चलो गाइस अब पहुंच गए घर यार, रात के बज गए 12, तो
तो अभी बस सोने की तैयारी करनी है यार। तो आपको ये अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, कर देना और शेयर भी कर देना इफ यू वांट। और बट एक चीज़ मत भूलना है, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को भाई। कितनी बार बोल दिया, कितनी बार बुलवाओगे सब्सक्राइब कर देना अगर थोड़ा बहुत भी ठीक लग रहा हो कि कंटेंट ठीक आ रहा है। बाकी आने वाला कंटेंट भी ठीक ही आएगा। तो चलो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। गई नहीं अभी तक। बाय भैया, बाय।